स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। मैं हूं नूपुर सिंह और आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पीएम मोदी आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8,000 किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। आज उत्तर बंगाल के दौरे पर जाएंगे सीएम ममता बनर्जी, जहां वह विजयदशमी के दिन दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटना पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहाँ एक बार फिर से सीबीआई ने सिसोदिया को समन जारी कर आज सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। शराब घोटाले पर होगी पूछताछ। आज अलीगढ़ में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में आज टीएमसी विधायक माणिक की याचिका पर फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 5वीं बैठक आज से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगी। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात दे सकती है, जहां कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आज बोकारो आएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज हैदराबाद में निवेशकों के समिट में होंगे शामिल। जेडीयू नेता ललन सिंह का हमला, कहा पीएम मोदी ने लोक लाज ताखा पर रखा। पंजाब में अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भाजपा ने उठाया सवाल, कहा हिमाचल व गुजरात चुनाव के कारण आप सरकार का पैतरा। हरियाणा के आदमपुर में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी INLD और आप उधार के उम्मीदवारों से लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तराखंड में बोले कैलाश विजयवर्गीय, बूथ स्तर तक पहुंचाए विकास कार्यों की जानकारी, मीडिया व सोशल मीडिया टीम का किया मार्गदर्शन। राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल से ग्वालियर की बदल जाएगी तकदीर, 500 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। बाबा बर्फानी अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, संगम टॉप तक बनेगी सड़क, 5 वर्षों में होगी तैयार। एकनाथ शिंदे को मिला बाला साहेब ठाकरे के पोते निहार का साथ, अंधेरी उपचुनाव में शिंदे गुट के लिए करेंगे प्रचार। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर पुलिस लाइन में निर्माणाधीन 12 मंजिला इमारत से कूदी महिला, हालात गंभीर, इलाज के लिए भेजी गई जिला अस्पताल। रंजीत जुंगर की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ स्वरूपगंज के तत्वाधान में द्वितीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर के तृतीय दिवस प्रातः काल व्यायाम, BP6 बटोली निरीक्षण के बाद मोहनलाल परमार के आतिथ्य में ध्वजारोहण कर उद्बोधन दिया गया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। यूपी के महोबा में आधा दर्जन बदमाशों ने दहशत फैलाने और वर्चस्व कायम करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सदर कोतवाली के मोहल्ला रामकुंड में रात को 2 बजे ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों को दहशत में ला दिया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के मुताबिक मामला दर्ज कर जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी है। रंजीत जिंगर की रिपोर्ट। पिंडवाड़ा शहर के आदर्श विद्या मंदिर वनवासी स्कूल पिंडवाड़ा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र में कल्याण आश्रम के प्रांत संगठन मंत्री जगदीश कुलमी ने की। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।